हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह का विज़िट करवाता हूँ जिसका नाम है ब्लू वाटर आइलैंड। और ये देखें, ये शेख साइद रोड है दुबई का। ये आपको ईमार का नज़र आ रहा है, ये ईमार कंपनी का नाम है। ये मॉल है मरीना मॉल, ये जेएलटी के पास है। बहुत बहुत ही खूबसूरत मॉल है। हम यहाँ से गुजरे हैं ये मॉल के पास से और हम जा रहे हैं ब्लू वाटर आइलैंड। यहाँ पे हमारी गाड़ी लगने लगी थी, ये देखें, ये हमारे आगे गाड़ी आ रही है और उसने एकदम से मतलब जाना, उसने लेफ्ट लाइन में था और ये जा राइट लाइन में रहा था। अभी ये देखें, ये बिल्कुल एकदम से आगे आ गई थी, लेकिन शुक्र है कि उसने पूरे टाइम पे देख लिया और बचत हो गई, वरना उसने आज गाड़ी हमारी ठोक दी थी। खैर, हम बच बचा के निकल आए वहाँ से और अपने रास्ते की तरफ गामजन। ये देखें जी, ये एंट्रेंस है ब्लू वाटर आइलैंड की। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, आप ज़रूर विज़िट करें। लेकिन दो टाइम में है यहाँ पे जाने का, एक 7:30 बजे शो होता है ड्रोन्स का और एक 9:30 बजे। तो जब भी जाना है प्लान करके जाएँ कि या 7:30 जाएँ या 9:30 जाएँ। ये देखें, ये पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है और बड़ी ही शादा मतलब खुली पार्किंग है, अच्छी पार्किंग बनी हुई है। इजीली आपको जो है पार्किंग मिल जाती है, लेकिन जब शोज़ का टाइम होता है जैसे 7:30 और 9:30 तब थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन आप अगर थोड़ा पहले चले जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। ये देखें, बहुत मतलब ये मैं पहले नहीं गया इस पॉइंट पे क्योंकि अभी हाल ही में बना है, नया बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है दुबई। माशाल्लाह दिन ब दिन ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें ही बनाता है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ये देखें, इसका फर्स्ट जो हमारे हमने जैसे ही पार्क करके गाड़ी हम ऊपर आए हैं ग्राउंड पे, तो बहुत ही प्यारा व्यू हमें नज़र आया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट क्लीन। और कोविड के हवाले से भी जगह जगह इन्होंने सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया हुआ है, जगह जगह पे इन्होंने सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं आवाम के लिए। बहुत प्यारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ब्रांड्स के और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए, ये कैसा व्यू है, मतलब बहुत ही मज़ा आया। मैं तो आज इतना एंजॉय किया इस चीज़ को कि इतना प्यारा पॉइंट, मतलब बहुत बहुत नीट और क्लीन, मतलब बहुत ही आउट क्लास जगह है। आप भी जाएंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, जैसे मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ आप भी तारीफ़ें करेंगे। ये एक छोटा सा वहाँ पे उन्होंने गेमिंग सेंटर सा बनाया हुआ है वीआर स्पोर्ट्स के नाम से, लेकिन ये थोड़ा सा है मतलब बिल्कुल ओपन है, जैसे आप सड़क पर बैठ के खेल रहे हैं ऐसे ही है। ये देखें, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं खेल रहे हैं गेम, और इसका जो रेट है वो मेरे ख्याल सिर्फ 40 दिरहम है 10 मिनट का, 10 मिनट अगर आप खेलते हैं तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, अच्छी मतलब लेटेस्ट गेम है। मुझे तो खैर गेम्स का इतना कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे पता ये कौन सी है, लेकिन शायद कोई रेसिंग वाली गेम है क्योंकि दोनों लड़के काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। ये देखें, ये लंदन फ्लाइट के नाम से है, ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये व्हील है, बहुत बहुत बड़ा व्हील है, ये आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, दूर दूर से इसका व्यू मिलता है आपको, बहुत बड़ा व्यू है। अच्छा, ये देखें जी, ये JBR की बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है इस पॉइंट से, मतलब बीच के इस तरफ हम खड़े हैं और बीच के उस तरफ सारा JBR है। JBR दुबई का बहुत महंगा तरीन एरिया है, जहाँ पे आपको मरीना वॉक और JBR ये सब, JBR मतलब जो मेरा बीच रेजिडेंस के नाम से इलाका है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, सब फॉरनर्स इधर ही आते हैं, इधर ही रहते हैं, इधर ही अपनी जब भी वो आते हैं अपनी लाइफ इधर ही गुजारते हैं, जो परमानेंट हैं वो भी और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इधर ही रहते हैं। बहुत महंगा इलाका है और बड़ा अच्छा इलाका है। ये मेरी भतीजी है,
इसने भी आज बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश थी, काफी खुश है। ये व्हील जो है ये बहुत बहुत बड़ा है, ये देखिए करीब से तो इसको एक अपने कैमरे में ले ही नहीं सकते, दूर से इसको आप अपने कैमरे में ले सकते हैं पूरे व्हील को, करीब से लेना इम्पॉसिबल है। और ये देखें ये है बीच के अंदर कश्तियाँ, लोग प्राइवेट, ये वो नहीं है मतलब सिंगल वाली नहीं है कि बंदा जाके तो कह जी जैसे बोट्स चलती हैं दुबई में 2 दिरहम 5 दिरहम वाली, ये वो चीज़ नहीं है, ये प्राइवेट बीच बोट्स होती हैं, ये बीच पार्टी के लिए लोग लेते हैं। इसमें अभी भी म्यूज़िक चल रहा है, पार्टी चल रही है अंदर, ये फॉरेनर जितने भी हैं वो अपना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है कुछ भी कोई सेलिब्रेट करते हैं तो ये इसको हायर करते हैं और अपना पूरा इसमें इंजॉय करते हैं। काफ़ी लाउड इसका इसमें चल रहा था म्यूज़िक सिस्टम। ये देखिए बहुत बड़ा व्हील है, बहुत ही प्यारी जगह है, आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें इसको, आप भी इंजॉय करेंगे। ये देखें कितना बड़ा व्हील है और ये अंदर लोग बैठे हुए हैं इसके, ये पूरा ये 45 मिनट आई थिंक मैंने सुना है कि इसको 45 मिनट लगते हैं पूरा एक अगर आदमी जाता है इसमें बैठता है तो। ये मिरास कंपनी है जिसने ये पूरा एरिया बनाया, जैसे ईमार है ऐसे मिरास कंपनी है जिन्होंने ये बनाया। ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, एक उन्होंने स्ट्रीट बनाई है स्टॉल्स की। बहुत प्यारी जगह है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, और अगर आपको अच्छी लगे आपका दिल मुतमईन हो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे बिल्डिंग बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, ये बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग है और 2 बिल्डिंगों को इन्होंने आपस में जोड़ा हुआ है, बहुत बहुत ही मतलब ये आउट क्लास एरिया है। बहुत लोग इंजॉय करते हैं, कि अब हम ब्रिज पे आ गए हैं जो बीच के उस तरफ लेके जाता है मतलब JBR की तरफ लेके जाता है, और ये ब्रिज वॉकिंग ब्रिज है और यहाँ पे साइकिलिंग के लिए भी उन्होंने एक छोटा सा ट्रैक एक साइकिलिंग का भी रखा हुआ है कि इस ब्रिज पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्रैक छोटा सा, ये देखें कितनी वो लंबा ब्रिज है, और ये हम फिर इस ब्रिज के उस तरफ गए मतलब JBR की तरफ गए, वहाँ से फिर हम लोग वापस आए, बहुत मतलब मौसम भी बहुत अच्छा था, मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, वैसे UAE में ऐसा मौसम किस्मत वालों को ही मिलता है वरना UAE में तो आपको पता है कि गर्मी बहुत होती है, लेकिन आजकल के दिनों में बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए इन्होंने जगह जगह पे ना ये ब्रिज के ऊपर 2-3 जगहों पे इन्होंने पॉइंट बनाए हैं कि आप उनके ऊपर उतर के तो वहाँ पे बैठ सकते हैं, बेड सिटिंग के लिए बनाया है, और नीचे काफ़ी गहराई में समुंदर आपको नज़र आता है, थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा उस जगह पर लेकिन बहुत प्यारा व्यू है इसका। ब्रिज पे लोग ऐसे ही वॉक करते हैं सब, ये देखें साइकिलिंग भी कर रहे हैं लोग, आपको ये साइकिलिंग भी नज़र आ रही है लेकिन वो अपने ट्रैक में ही रहते हैं, ट्रैक से बाहर नहीं आते। ये देखें फबिया ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत खुश थी आज, बहुत प्यारी जगह, ये देखें इसका भी
ये सब स्टील का बना हुआ है, लोहे का, बहुत बड़ा है। ये आपको पिक्चर्स में वीडियो में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत ये बड़ी बड़ी अम्ब्रेला टाइप बनाई हुई है, बहुत प्यारा लगता है। एस्केलेटर भी लगी हैं, लिफ्ट भी लगी हैं, पार्किंग से आप पार्किंग लगा के तो आप ऊपर आ जाते हैं ग्राउंड पे, फिर ब्रिज के ऊपर चले जाते हैं। ये देखें, ये असल चीज़ हम ये देखने गए थे, ये ड्रोन्स अभी आसमान पे आ रहे हैं, ये सब ड्रोन्स हैं, आपको ये दूर से दिखा रहा हूँ। ये देखें, अभी ये ऊपर जब चले जाएंगे तो ऐसा ऐसा इनकी सबकी लाइट्स बंद हो जाएगी, फिर लाइट्स बंद होने के बाद जब लाइट जलती हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको ये देख के। मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे ये ड्रोन से, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इन्होंने ये ड्रोन से मतलब कैसे ऑपरेट कैसे किया है। हम तो एक ड्रोन उड़ाते हैं तो हमसे वो ही नहीं संभलता। ये देखिए, लाइट्स बंद होनी शुरू हो गई ड्रोन की, आहिस्ता आहिस्ता सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। अब बंद हो गई, अब देखिएगा कैसा डिस्प्ले आता है इसका। ये देखिए, ये जो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का बैग सा बना होता है, ये वो उन्होंने बनाया है ड्रोन से। जी ये देखें, ये कार्टून बने बहुत प्यारे, मतलब ये इन्होंने तो कमाल कर दिया आज। मेरा तो देख के मैं सोच रहा था कि कैसे इन्होंने, मतलब हमसे नहीं चलता भी, ड्रोन नहीं चलता। और ये हज़ारों की तादाद में ड्रोन है, ये देखें, ये टिकटॉक का साइन। बहुत जबरदस्त इन्होंने आज शो किया। ये मोटर बाइक, वो जो फोर व्हील वाला आता है रमल पे चलाते हैं, ये वो बनाए। कश्तियाँ में, ये जो होटल्स वगैरह कश्तियों में होटल बने होते हैं, ये भी आके देखते हैं शो। ये दी बीच लिखा है उन्होंने, सब ड्रोन से लिखा है। ये पानी वाला जो बाइक होता है वो बनाया है। ये स्काई ड्राइवर में,
दुबई लिखा है अरबिक में और इंग्लिश में। आतिशबाजी होती है वैसे उन्होंने बनाया ड्रोन से। ये भी सब शो ख़त्म होने वाला है, ये शायद ख़त्म हो, बस अब ख़त्म हो गया। अब जो ड्रोन्स हैं वो वापस जहाँ से उन्होंने फ्लाई किया था वहीं पे वापस जा रहे हैं। ये देखें, ये सब अपने लाइन से जा रहे हैं सब वापस जगह पे जहाँ से उड़े थे। बहुत मज़े का शो था और बड़ी दुनिया देखने आती है। सबको जिन जिन को पता है वो स्पेशल टाइम पे आते हैं पूरे टाइम पे। वैसे तो ये जगह बहुत अच्छी है, वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। ये मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा कमेंट में, और मेरा चैनल अगर आपका दिल माने तो आप बिल्कुल मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।